पाकिस्तान जो कर रहा है वो भुगत भी रहा है, लेकिन अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का हिसाब अभी बाकी है और दुनिया को पाकिस्तान का ये सच ध्यान में रखना चाहिए। देशत में हमारी अगली खबर चीन की चिंता बढ़ाने वाली है। भारत पर अमेरिका की एक रिपोर्ट से चीन में खौफ होना तय है। खौफ इसलिए क्योंकि FAS यानी फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की एक रिपोर्ट में कुछ ऐसे दावे किए गए हैं जिसे देखकर शी जिनपिंग को पसीना आ सकता है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का फोकस अब पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन है और इसके लिए उसने अपनी परमाणु ताकत को बढ़ाया है। भारत के पास 8 सिस्टम परमाणु क्षमता से लैस हैं, इनमें 4 जमीन बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल हैं, 2 एयरक्राफ्ट और समंदर से हमला करने वाली 2 बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं। बड़ी बात यह है कि 4 नए परमाणु हथियार भी भारतीय बेड़े में जल्द शामिल होने वाले हैं जो हाईटेक तकनीक से लैस हैं और इनकी रेंज में पूरा चीन होगा। FAS के मुताबिक भारत के पास फिलहाल 160 परमाणु हथियार हैं और भारत के पास इतने संसाधन मौजूद हैं कि वो अभी चाहे तो 213 परमाणु हथियार बना सकता है। चीन के लिए सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि भारत की परमाणु तैयारी चीन को देखते हुए की जा रही है, ये दावा है FAS का। रूस और यूक्रेन वॉर की अब हम बात करेंगे। देशत में आपको बताते हैं कि रूस और यूक्रेन वॉर में 2 देशों के ड्रोन की चर्चा दुनिया क्यों कर रही है। पहला ड्रोन टर्की का है जिसे यूक्रेन रशियन फौज के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है और दूसरा ड्रोन ईरान का है जिससे रूस यूक्रेन में तबाही मचा रहा है। बड़ी खबर यह है कि रूस के काम आने वाले ड्रोन को ईरान जिस फैक्ट्री में बनाता है वहां ड्रोन अटैक हो गया। ईरान के लोगों को लग रहा है कि इस ड्रोन अटैक के पीछे इसराइल का हाथ है। क्या वाकई ऐसा है और अगर ये हमला इसराइल ने किया तो इसका मतलब क्या है, इस रिपोर्ट में समझिए। पुतिन से बैर नहीं, ईरान की खैर नहीं। ये कौन कह रहा है? क्या इसराइल यही कहना चाहता है? क्योंकि ड्रोन अटैक की इन तस्वीरों को लेकर ईरान की जनता ये मानकर चल रही है कि हमला इसराइल ने कराया, लेकिन सवाल है कि अगर हमला इसराइल ने कराया या किया तो फिर ड्रोन फैक्ट्री पर ही हमला क्यों? असली खबर इस सवाल के जवाब में है, इसे ध्यान से देखिएगा। ईरान की राजधानी तेहरान से लगभग 440 किलोमीटर दूर इस्फहान नाम का एक शहर है। इस्फहान में ड्रोन फैक्ट्री है, यानी यहाँ ईरान के विध्वंसक ड्रोन बनाए जाते हैं। यहाँ मिसाइल बनाने से लेकर दूसरे कई हथियार भी तैयार किए जाते हैं। यानी एक तरह से आप समझिए कि ईरान के रक्षा उत्पादन का मुख्य केंद्र है इस्फहान और इसलिए यहीं पर टारगेट किया गया। इस वीडियो को हमले का वीडियो बताया जा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रोन अटैक शनिवार की रात 11:30 पर हुआ और ये तस्वीर ड्रोन अटैक के बाद की है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि छत पर दो काले निशान दिख रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये ड्रोन अटैक के निशान हैं। इस ड्रोन अटैक से ईरान को कितना नुकसान पहुंचा इसे बताने से पहले आपको इस समझना चाहिए कि ईरान की ड्रोन फैक्ट्री ही उसके दुश्मन के निशाने पर क्यों है। दरअसल अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश नहीं चाहते कि ईरान रूस को यूक्रेन वॉर में ड्रोन दे। अमेरिका ने तो पहले ही चेतावनी दी थी कि ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। वहीं ब्रिटेन ने कहा था कि रूस को ड्रोन देना ईरान की बड़ी भूल साबित होगा, लेकिन ईरान नहीं माना। उसने अपने मित्र देश रूस को ड्रोन दिए और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरानी ड्रोन से यूक्रेन में कहर बरपा दिया। टर्की के ड्रोन से रूस को सबक सिखाने वाला यूक्रेन भी अपने ऊपर मंडराते ईरानी ड्रोन को देखकर दहलने लगा। हो सकता है कि रूस को ईरानी ड्रोन दिए जाने से खफा होकर ड्रोन फैक्ट्री पर अटैक किया गया हो। अमेरिका और ब्रिटेन की चेतावनी को देखते हुए ये सवाल उठना भी लाजमी है कि कहीं अमेरिका ने ही तो ईरान की ड्रोन फैक्ट्री को निशाना नहीं बनाया।
बाइडेन सरकार के मुताबिक इस ड्रोन अटैक में अमेरिका शामिल नहीं है। अब शक इसराइल पर जाता है क्योंकि ईरान और इसराइल दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। ईरान का मानना है कि सुलेमानी से लेकर साइंटिस्ट तक ईरान में हाई प्रोफाइल मर्डर के पीछे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इसराइल का अहम रोल रहा है। इसलिए हो सकता है कि इसराइल ने ही ईरान पर ड्रोन अटैक किया। अब सवाल है कि इसराइल ऐसा क्यों करेगा। इसकी वजह यह भी हो सकती है कि इसराइल रूस से दुश्मनी नहीं चाहता लेकिन ईरान का लाभ भी नहीं होने देना चाहता। इसराइल रूस के खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन को हथियार नहीं दे रहा लेकिन वो ये भी नहीं चाहता कि ईरान रूस को ड्रोन या दूसरे हथियार देकर मोटी कमाई करे और उससे अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करे। ईरान के खिलाफ इसराइल ज्यादा हमलावर इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका का उसे खुला समर्थन हासिल है। हालांकि अमेरिका से अटूट दोस्ती के बाद भी इसराइल ने यूक्रेन को हथियार नहीं दिए यानी उसने पुतिन को नाराज नहीं किया लेकिन दूसरी तरफ रूस के दोस्त ईरान के हथियार इसराइल के निशाने पर जरूर है। हमले के पीछे अब तक किसी देश का नाम नहीं लिया लेकिन इतना जरूर कहा कि दुश्मनों का ड्रोन अटैक नाकाम रहा। ईरानी मीडिया ने एनिमेशन के जरिए दिखाया कि कैसे दुश्मनों के ड्रोन ईरानी सुरक्षा कवच से टकराकर तबाह हो गए। زنان ملت ایران برای ناامن سازی جمهوری اسلامی ایران و ناامن سازی کشورمون انجام دادند. این اقدام بزدلانه امروز انجام شده. دستگاه‌های امنیتی ما با اقتدار در راستای تأمین حداکثری ایران نے چیتاونی دی ہے کہ اس پر دشمن کا کوئی بھی حملہ کامیاب نہیں ہوگا اور ایسے حملے سے اس کی پرمانو یوجنا رکنے والی نہیں ہے। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात भारत और नेपाल की करेंगे। भारत और नेपाल दो ऐसे देश हैं जो अपना इतिहास, परंपरा, संस्कृति और धर्म साझा करते हैं। एक बड़ी घटना इसी साझेदारी का गवाह बन रही है। इस वक्त 6 करोड़ साल पुरानी पवित्र शिलाएं नेपाल से अयोध्या पहुंच रही हैं। इन शालिग्राम शिलाओं से भगवान राम और माता सीता की भव्य प्रतिमाएं बनाई जाएंगी। जहां जहां से ये दिव्य शालिग्राम शिलाएं गुजर रही हैं, वहां राम भक्त उमड़ पड़ते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। राम कहत चलो, राम कहत चलो भाई। नेपाल की पवित्र गंडकी नदी से मधुबनी गोरखपुर के रास्ते दो अद्भुत शिलाएं अयोध्या के लिए निकल पड़ी हैं। जहां भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य हो रहा है, भले ही इस शालिग्राम शिलाओं पर अभी भगवान राम और माता सीता की आकृति उकेरना बाकी है, फिर भी रास्ते भर राम लला के दर्शन करने का भाव लिए राम भक्त श्रद्धा भाव से इन विशाल गाय शिलाओं को निहार रहे हैं और राजा राम का स्वागत कर रहे हैं। आपको बता दें कि शालिग्राम शिलाएं नेपाल के जनकपुर से मधुबनी, बेनीपट्टी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज होते हुए अयोध्या लाई जा रही है। काली गंडकी पोखरा से निकाली गई 26 टन की जो शिला है, पत्थर है, वो आप देख सकते हैं और नेपाल में जनकपुर में इसे अभी रखा गया है। यहाँ से अयोध्या के लिए रवाना होना है और देखिए तमाम लोगों की भक्ति, देखिए कि भक्ति कितनी उमड़ी हुई है कि तमाम लोग जो हैं शिला को जो है प्रणाम कर रहे हैं, हर कोई चाह रहा है कि शिला को स्पर्श करे। इससे पहले नेपाल के पोखरा के गंडकी नदी से दो विशाल गाय शालिग्राम शिलाओं को जनकपुर में माँ सीता के धाम और भगवान राम के ससुराल लाया गया, जहाँ दोनों विशाल गाय शिलाओं की पूजा अर्चना की गई। खास बात यह है कि जिस तरह से माता पिता विवाह के बाद बेटी को विदा करते हैं और दामाद को उपहार देते हैं, इसी तरह इन शिलाओं के साथ भी कई उपहार आ रहे हैं। त्रेता युग की ये परंपराएं
आज भी निभाई जा रही है। आपको बता दें कि प्रतिमा का स्वरूप कैसा होगा, अभी इस पर मंथन हो रहा है। 5 वर्षीय भगवान राम के बाल रूप की आंखें कैसी होंगी, मुस्कान कैसी होगी, कंधे पर धनुष हो या नहीं, इस पर भी मंथन जारी है। गर्भगृह में राम लला की प्रतिमा का स्वरूप क्या हो, अनेक लोगों ने चित्र बनाकर भेजे, सब कंप्यूटर पर तुलनात्मक अध्ययन किया, आंखें किसकी अच्छी हैं, जिसमें कोमलता है, देवत्व है, बाल सुलभ है, होठ की मुस्कान किसकी अच्छी है, 5 वर्षीय बालक का पोस्चर कैसा है, नाभि से ऊपर का हिस्सा और नाभि से नीचे का हिस्से का तुलनात्मक अध्ययन करो, उसका प्रपोर्शन कैसा है, पैरों में खड़ाऊ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कंधे पर धनुष, हाथ में तीर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पर लोगों ने अपने अपने विचार रखे। तो पुत्र के रूप में पूजा होगी और बालक की होगी। श्री राम जय राम जय जय राम। खास बात ये भी है कि राम नवमी के दिन सूर्य की किरण राम लला की प्रतिमा के ललाट पर बने, इस तरह से भी इस प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। शिल्पकारों से अब तक 810 चित्र बनवाए गए हैं, जिसके बाद तय होगा कि भगवान राम दिखेंगे कैसे। नेपाल की शालिग्राम नदी भारत में प्रवेश करते ही नारायणी बन जाती है। सवाल ये है कि शालिग्राम शिलाएं इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं? दरअसल इन्हें शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। शालिग्राम नदी के काले पत्थर भगवान शालिग्राम के रूप में पूजे जाते हैं। तिरुपति बालाजी की प्रतिमा और बद्रीनाथ धाम की भगवान बद्री की प्रतिमा भी शालिग्राम से ही बनी है। इन शिलाओं से बनी प्रतिमाओं को 2000 साल तक कुछ नहीं होगा। ये शिलाएं नेपाल से भारत में धर्मदूत के रूप में आ रही हैं। 494 साल से भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए लोगों ने संघर्ष किया है। कृष्णा गंडकी में जो पाया जाने वाला शालिग्राम है, वो भगवान विष्णु का स्वरूप है। राम विष्णु के अवतार हैं, इसलिए उस विष्णु के स्वरूप रूप शालिग्राम या कृष्णा गंडकी के शालिग्राम से और उसके निकले हुए इस शिला से प्रभु श्री राम के बाल रूप का अवतार होगा। रामायण ही ऐसी चीज है, भगवान राम और सीता ऐसी चीज है जो देखिए आज के डेट में भी 3 देशों को जोड़ के रखा है, नेपाल, भारत और श्रीलंका। सो नेपाल और इंडिया को जो हम लोग एक कनेक्शन दिखा रहे हैं और आज इतना अच्छा ऑस्पिशियस डे पे हम लोग यहाँ पे आ पाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। शिला की पूजा अर्चना के लिए श्रीलंका निवासी और सार्क के सेक्रेटरी जनरल एसाला वीराकून भी पहुंची, जबकि सैकड़ों राम भक्त भी इन शिलाओं के दर्शन के लिए वहां मौजूद रहे। इट इज अ ग्रेट ऑनर एंड प्रिविलेज फॉर मी एंड माय वाइफ टू बी हियर टुडे एंड पे आवर रिस्पेक्ट्स एट दिस वेरी सेक्रेड टेंपल एंड आल्सो वी नो दैट दिस stone, this holy stone, is found in the Kali Gandaki river. It's approximately 7,000 years old and it is being taken to Ayodhya for the Ram Mandir. Shaligram Nadi, jise Bihar mein Budhi Gandak ke naam se bhi jana jata hai. Aapko bata dein ki Nepal ke vaigyanikon ne kai dino tak paidal chalkar in divya shilaon ki khoj ki hai. 150 se zyada shilaon ko parkha gaya aur aakhirkar in do shilaon ka chayan hua. ये मिशन जून से 2022 जून से अयोध्या के लिए शिला ढूंढने के लिए शुरू हुआ और उसका बाद हम लोग बहुत 2-3 बार अयोध्या भी गए पहुंचे माननीय पूर्व उप प्रधानमंत्री विमलेंद्र निधि के साथ। अब ये शिलाएं नेपाल से भारत आ चुकी हैं। जब शालिग्राम शिलाएं बिहार के मधुबनी में जटही बॉर्डर से प्रवेश कर रही थी, तब भी श्रद्धालुओं ने इनका भव्य स्वागत किया। राम के बात्सल प्रतिमा जो बनेगी वो इसी शिला से बनेगी। मिथिला के गांव-गांव में आप देखिए हजारों लोग आए हुए हैं, गांव-गांव में खड़ा है, तोरण द्वार बनाया गया है, ध्वज लगाया गया है, इसलिए आज हम लोगों के लिए भाग्य का दिन है और राम द्रोहियों को कहेंगे कि आकर के देखें बिहार और नेपाल के किस तरह जन जन में
कण कण में राम है वह देखने की जरूरत है। प्रभु जी ये दिव्य शिलाएं 31 जनवरी को गोपालगंज होकर यूपी में प्रवेश करेंगी, जबकि 2 फरवरी को अयोध्या पहुंचेंगी। 31 जनवरी को शिला लेकर आ रहा पूरा काफिला गोरखपीठ मंदिर में ही विश्राम करेगा। यहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी पहुंचने की संभावना है। गोरखपुर से चलकर 2 जनवरी को ये शिलाएं अयोध्या पहुंचेंगी। अयोध्या में भी संतों और महंतों द्वारा इनका विधिवत पूजन होगा। आपको बता दें कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में राम मंदिर के निर्माण का काम 70% पूरा हो चुका है। मंदिर निर्माण 3 चरणों में हो रहा है। पहला चरण अगस्त 2023 तक पूरा होगा। जनवरी 2024 में मंदिर में दर्शन पूजन शुरू हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ रुपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया। और अब बात करेंगे देश की बेटियों की जिन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि अगर आप उन्हें थोड़ा भी सपोर्ट करेंगे तो वो कुछ भी कर सकती हैं। भारत की बेटियों ने हम सबको अपने भारतीय होने पर गर्व करने का एक और मौका दिया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अंडर-19 वर्ल्ड कप जीतकर नया इतिहास रचा है। फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को हराकर जब भारत की बेटियों ने अपने देश को विश्व चैंपियन बनाया, उसके बाद कैसे उनके परिवारों ने जश्न मनाया, खुशी के आंसू बहाए, देखिए इस रिपोर्ट में। कहीं आंसू, कहीं जश्न, कहीं जीत की खुशी, कहीं कामयाबी का सुकून। साउथ अफ्रीका में टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया। अंडर-19 वुमेन्स वर्ल्ड कप का पहला खिताब भारत ने अपने नाम किया। गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने एक लो स्कोरिंग मैच में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया। जीत की खुशी मनाने के लिए पूरा देश एक परिवार की तरह जमा हुआ है। टीवी पर अपनी बेटी का नाम सुनकर परिवार की आंखों में भी आंसू आ गए, और हो भी क्यों ना, क्योंकि पुरुष क्रिकेट के आगे महिलाओं का क्रिकेट, और वो भी अंडर-19। सच कहें तो देश की जनता को इस टूर्नामेंट में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन इन बेटियों ने अपने हुनर का लोहा मनवा ही लिया। आज पूरा देश अपनी होनहार बेटियों की तारीफ करते नहीं थक रहा है। खानदान की लड़की ने नाम रोशन किया है चोपड़ा परिवार का। खानदान में इकलौती लड़की है, सब खेलते थे, देखिए लड़की आगे गई है, लड़की ने नाम रोशन किया है, सब खेलते थे। जीत के बाद जश्न तो होना ही था। बुलंदशहर में पार्श्वी चोपड़ा के घर के सामने ढोल नगाड़ों के साथ लोगों ने खूब डांस किया। जब जीते थे मैं पहले कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा था, लाइक हुआ क्या, एकदम से जीत गए, लाइक हमने बस सोचा था कि ऐसे कि क्या होगा, ऐसे वर्ल्ड कप होगा, और फिर एकदम से हम टीवी पे देख रहे हैं और फिर जीत भी गई, लाइक एकदम से रियलिटी में आया, तो फिर लाइक पता भी नहीं चला, इतना एक्साइटेड थे, इतना खुश हुआ मैं सर। इसी तरह फिरोजाबाद में सोनम यादव के घर के पास लोग तिरंगा लेकर निकले और अपने घर के पास रहने वाली सोनम के लिए नारे लगाए। ये पल वाकई में बड़ा शानदार होता है। बेटियों को आगे बढ़ना चाहिए, सब उस महिलाओं से कहती हूँ मैं, बेटियों को छुटकारा दे, पढ़ाए लिखाए और खेल कूद में करने दे। हुनर को अगर सही प्लेटफॉर्म मिल गया तो वो कुछ भी कर सकता है। ये तस्वीरें देखकर शायद हमारी तरह आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएं। ऑलराउंडर अर्चना देवी के गांव में घर के सामने टीवी रख कर गाँव के लोग मैच देख रहे थे, और जीत के बाद उनके भाई ने परिवार की मदद करने वालों को धन्यवाद किया। आप देख रहे हैं ना हमारा घर का माहौल, हम लोग वहाँ कैसे पहुँचा सकते थे, हमारी फाइनेंशियली कंडीशन नहीं सही थी पहले। तो सर इसमें अगर मैं किसी की बात करूँ तो अर्चना के जो मतलब हमारे कोच सर हैं, कपिल सर हैं, रीता डे मैम हैं, दिनेश सर हैं, संजय कपूर सर हैं, इन्होंने हेल्प की। हर घर पर बेटी को बढ़ाने में उसके पिता का बड़ा हाथ होता है। इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली श्वेता सहरावत के घर पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था।
ये ऐसे करती थी कि जैसे वॉलीबॉल से खेल लिया, फुटबॉल से खेल लिया, लाइक दिस, ये अपना सेपरेट गेम साइड बाय साइड पार्क के अंदर खेलती रहती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि ये मेरे को बोलती है कि पापा मेरे को भी बैट ला के दो, मैं भी क्रिकेट खेलूंगी। एक्चुअली इसने छोटे छोटे बच्चों को देखा जो इसकी एज ग्रुप के थे, वो टेनिस बॉल से वहाँ पे सेंटर पिच के ऊपर बैटिंग वगैरह कर रहे थे। तो मैंने मुकेश सर को बोला कि यार थोड़ा सा इसको भी आप करा दो, थोड़ा एंजॉयमेंट इसका हो जाएगा। किसे पता था कि बेटी की छोटी सी जिद मानने वाले ये पिता अपनी बेटी को वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाते हुए देखेंगे। बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने बताया कि बोर्ड की तरफ से पूरी टीम और सपोर्ट स्टाफ को 5 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। साथ ही अहमदाबाद में होने वाले भारत न्यूजीलैंड के तीसरे T20 मुकाबले को देखने के लिए न्योता दिया गया है। देश को उम्मीद है कि आगे भी हमारी टीम ऐसे ही प्रदर्शन करती रहे, ताकि भविष्य में अगर किसी घर की बेटी खेलना चाहे तो उसे सुनना ना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात होगी उम्मीद के बजट की। आगामी बजट को लेकर जहां केंद्र सरकार की तैयारी पूरी हो चुकी है, 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। बजट में लोगों ने टैक्स की छूट की उम्मीदें लगा रखी हैं। बजट पर क्या है रांची में लोगों की राय, आप भी जानिए। रसोई में जो लगता है हमारा सिलेंडर, घरेलू सिलेंडर का दाम कम होना चाहिए, अभी 1100 से ऊपर पहुँच गया है। इसका 900 पूरा स्टेट होना चाहिए कम, 200 रुपये कम होना चाहिए। बाकी इसके अलावे औरतों को थोड़ा सा गहनों का भी शौक होता है, तो उसको जो है बजट के हिसाब से एकदम कम रखना चाहिए, और हम लोग जितना एफोर्ड कर पा रहे हैं उतना ही होना चाहिए। अच्छे एजुकेशन दे, उसके लिए बजट पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हम इस बार की बेहतर होगा, बिल्कुल। हम महिलाओं के ऊपर किचन की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा रहती है कि कैसे बैलेंस करके अपने हस्बैंड की सैलरी से कैसे बैलेंस करके घर को भी चलाना है, बच्चों का एजुकेशन भी देखना है, इसलिए अपना भी शौक देखना है, इसलिए बजट में थोड़ा ध्यान दिया जाए ताकि हम महिलाओं को आसानी हो घर चलाने। टायर्ड आदमी हूँ, सबसे पहली एक्सपेक्टेशन तो होती है इनकम टैक्स में कुछ रिबेट कंसेशंस, थोड़ा स्ट्रक्चर हो। कॉस्ट जैसे इन्फ्लेशन बढ़ा है, डिवेल्युएशन रुपी का हुआ है, उस हिसाब से जो एग्जेम्पशन लिमिट वगैरह है बहुत कम है, उसको सूटेबली एनहेंस करने की ज़रूरत है। सरकार से बजट से ये उम्मीद है कि पेट्रोल तो काफ़ी महंगा हो चुका है, जबकि सरकार पेट्रोल सस्ता खरीद रही है ना, तो उसमें जो है सो हर राज्य जो है सब्सिडी अपना थोड़ा बहुत करे कम, जो सब्सिडी देती है वो अधिक ज़्यादा दे, अपना प्रॉफिट कम करे,